ये आप देख रहे हैं मिस्टर ऋषि की छत, जिन्होंने शालकोट में बहुत नाम कमाया है और बहुत छोटी उम्र में। आज हम इनका इंटरव्यू लेने आए हैं, हम इनके पास चलते हैं, अंदर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऋषि, आप हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में बताएं, जो कि आपके पास अच्छी नस्ल है और रूठने वाले कबूतर हैं। ये मेरे पास सदा जोड़ा है, ये शालकोट की नस्ल है, ये बहुत अच्छी काले जोड़े हैं, इन्हें काला कबूतर कहते हैं, काले जी जी। एक है, ये मेरे पास कबूतर है, ये मेरे बच्चे उड़ाते हैं जी जी। ये जो जोड़ा है ना, बच्चे उड़ाता है, ठीक है। ये इनके बच्चे मेरे पास शाम 4-4 बजे तक बैठते रहे हैं जी जी। और उसके बाद मेरे पास एक जोड़ा है, एक पकड़ के बताएंगे, ये कल सीरी मादी है जी जी। आप देख सकते हैं मादी को, इसकी आंख देखें, उन्ने वाली आंख है, फेद आंख सरे वाली, ये देख सकते हैं आप। इसके पास ये प्रवासी पड़ रहा है और इसके साथ मैंने बटेरा कबूतर लगाया हुआ है, कबूतर आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा बटेरा कबूतर है। ये मेरा जोड़ा बना हुआ है, तकरीबन ये 3 साल से मेरे पास ये जोड़ा है, और इसके शर्तिया बच्चे उड़ रहे हैं, और ये इनका एक बच्चा है, आप देख सकते हैं छोटी सी उम्र है इसकी, आप देख सकते हैं क्या इसका नज़ारा है, खड़ा होना देखें इसका, बहुत अच्छा जानवर है ये भी। उसके बाद मेरे पास एक बटेरी पेंसी वाली मादी है, ये आप देख सकते हैं बटेरी मादी है, ये भी सियालकोट की मशहूर नस्ल है जी जी। और ये बहुत पाई जा रही है सियालकोट में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बटेरा कबूतर है, बटेरा पेंसियों वाला, इसमें चीना पार है, आप देख सकते हैं इसकी भी, ये भी मेरे पास शाम 6 बजे कबूतर बैठा है जी जी, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक स्लेटी जिसकी कबूतर है, ये भी सियालकोट की नस्ल है, बहुत उड़ने वाला कबूतर है, ये भी उड़ता है, मेरे पास देख सकते हैं आप इसको भी, स्लेटा कबूतर है। उसके साथ मैंने मोतियों वाली मादी लगाई हुई है, ये भी मेरे पास बहुत अच्छा जोड़ा है, ये बच्चे उड़ाता है। ये सारे जोड़े रखे हुए आप जी, ये जोड़े, इनमें से किन जोड़े, किस जोड़े के बच्चे हैं जो कि बहुत उड़ते हैं? एक ये जोड़ा जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर दिखाया था, उसके बाद मेरे पास एक ये जोड़ा है, ये मोतियों वाली और सब्जा कबूतर लगाया हुआ है मैंने। उसके बाद मेरे पास टैडी लाहौरी कबूतर है, ये कबूतर आप देख सकते हैं, टैडी कबूतर है ये, टैडी छत वाला, ठीक है, ये कबूतर आप देख सकते हैं, इसकी भी बहुत परवाज है, ठीक है, ये भी मेरे बच्चे उड़ाते हैं। इसके साथ मैंने जीरी मादी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं ये सामने जोड़ा ये जी। उसके बाद मेरे पास दबास पट्टा, ये मेरे घर का पट्टा आप देख सकते हैं, कि अभी इन्हें हम छतरी वाला कहते हैं, ठीक है, ये फैसलाबाद की मशहूर नस्ल है छतरी वाली, और ये कबूतर बहुत प्रवास करते हैं जी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक बच्चा है, देख सकते हैं आप, ये भी मेरे घर का मोतियों वाला बच्चा है, ये जो मैंने आपको ये जोड़ा नहीं दिखाया, ये उनका बच्चा है मोतियों वाला जी जी। ये आप देख सकते हैं इसकी आँख वजह कद वगैरह इसका, ये बहुत उड़ने वाला बच्चा, ये अभी जो आप बच्चा देख रहे हैं ये इस जोड़े का बच्चा, ठीक है, ये 6 बजे मेरे पास बैठा। उसके बाद मेरे पास लाल पेंसियों वाली मादी बन रही है, ठीक है, ये लाल पेंसियों वाली है, ये मैंने क्रॉस करवाया है चीने कबूतर का और बटेरी मादी का जी जी। तो ये उनका बच्चा निकला लाल पेंसियों वाला, आप देख सकते हैं इसको शक्ल वजह इसकी जी जी, ये लाल पेंसियों वाला, ये इस जोड़े का बच्चा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास, ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक और कबूतर है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा मेरे पास 4 बजे बैठ रहा है जी जी। ये जो है ना इसी जोड़े का बच्चा है। तो आप ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए कबूतरबाजी में? मुझे तकरीबन 1 अर्सा हो गया जी जी, 1 साल हो गया कबूतरबाजी करते हुए, ठीक है। और मैंने एक ही चीज अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि जो बटेरे कबूतर होते हैं ना जी जी, ये बहुत प्रवास करते हैं जी जी। दूसरा कि इनमें सियानपुना बहुत है जी जी, इनकी घर की वापसी बहुत है जी जी। मेरे पास एक ही बटेरा जोड़ा है जी, और खुदा का शुक्र है कि उसके बच्चों में इतनी वापसी है, मेरे पास 3-3 महीने बाद कबूतर आए हैं मुझे जी जी। बच्चे मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, ये मैंने परसों ही से काटा है जी। ये देखे मेरे पास 4 महीने बाद ये आया है बच्चा, आप देख सकते हैं मोतियों वाला ये निकला है, ठीक है, ये मेरे पास 4 महीनों बाद आया, ये गिर गया था। चलें ठीक है मिस्टर ऋषि, हम आपसे थोड़ी देर के बाद रब्ता करेंगे, ठीक है, अभी हमें जल्दी एक दो जगह और जाना है हमने, ठीक है।